नमस्ते फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के हमारे गेस्ट है नायक दीपचंद, अ कारगिल वॉर हीरो हु लॉस्ट हिज बोथ लेग्स एंड हिज राइट आर्म इन द 1999 कारगिल वॉर। सो लेट्स वेलकम नायक दीपचंद। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक है मैम। बिल्कुल सर। कैसे मनाया इंडिपेंडेंस डे? एक शहीद स्मारक पर 60 फीट का लंबा झंडा परमानेंटली लगवाया उसी के गांव में, जिस सैनिक का जन्म जहां पर हुआ था। हाँ जी। और उस सैनिक की स्मारक के जो मेन रोड से और आगे तक का जो शहीद स्मारक तक के लिए जो एक रोड बनवाया और जो शहीद स्मारक के पास में टाइलिंग लगाई, उसका गेट लगाया, मतलब बहुत अच्छा कार्य किया। आज आदर्श सैनिक फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने जो अपना आजादी की वर्षगांठ थी उसको अलग तरीके से मनाया है। हम लोगों ने यहाँ पर शहीद स्मारक के ऊपर जो मेन रास्ते थे शहीद स्मारक तक का एक रोड बनवाया है और 60 फीट का जो अपना राष्ट्र की आन बान और शान एक तिरंगा लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि हर शहीद स्मारक के ऊपर एक तिरंगा होना चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। 75वीं वर्षगांठ मनानी है तो ये भारत माता की जय तो हर आदमी को बोलते हैं मैम, कि ये रियल में बहुत ही कम काम करते हैं कि घबरना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। कभी भी जीवन के अंदर हमने बिल्कुल कोई भी घमंड नहीं करना है कि भाई हमने ये किया मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, जो भी करना है छोटे छोटे कार्य करिए, मगर आपके दिल को पहले तो आपको दिल में संतुष्टि होनी चाहिए, आप उस काम से खुद खुश होने चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप खुद खुश नहीं हो और दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कोई उस काम का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका रुचि तभी बढ़ना चाहिए कि आप खुद संतुष्ट हो उससे कि हाँ नहीं भाई ये जो मैं कार्य से कर रहा हूँ इससे मैं खुश हूँ, मुझे खुशी मिलती है। तो मैं दूसरे को खाना खिला के बहुत खुश रहता हूँ कि मैं खुद कुकिंग करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाथ का खाना कितने भी जनता खाए उतना कम है, मैं होटल में नहीं लेके जाता हूँ, कोई भी मेरे पास आता है मैं घर पे ही खिलाता हूँ। और आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में अपनी यादें छोड़ जाता है। ये चीजें हैं, मैं अपनी यादें एक अच्छी यादें छोड़ के जानी है। राजनेता कोई भी बुरा नहीं है, ना आप बुरे हो ना मैं बुरा हूँ, लेकिन जो उसके पीछे का राजकारण है ना वो बहुत बुरा है। कोई भी बुरा नहीं है, मैं आपको बोलूं कोई भी इंसान बुरा नहीं है, लेकिन वो इस राजकारण जो राजनीति होती है ना उसके पीछे पर्दे के जो पीछे होती है, आप ये देखिए जो बंदा अपने साथ में कल खाता पीता है वो एकदम राजनीति में जाने के बाद क्यों बदली हो जाता है। वो बोलते हैं कि किसी के सगे नहीं होते हैं राजनेता जो होते हैं, वो राजनेता सही है, सगे हैं हमारे, अपने ही भाई हैं, कोई बाहर से नहीं आते। सरकार कौन है? सरकार हमारी तो है, हम ही तो भेजा है उन बंदों को, कोई बाहर से तो ऊपर से तो आई नहीं कि भाई देवदूत आए कोई और सरकार चला रहे हैं, तो हमारे ही भाई। लेकिन उनके जो पीछे का जो राजकरण है वो कई कई बंदे वो एक दलदल समझता हूँ, मैं तो एक दलदल समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? देश के प्रति आपने हमेशा प्यार रखना तो आपको कुर्सी की जरूरत नहीं। जैसे आप ही बताइए, आप बोलते हो कि मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये देश की भावना है, देश का प्यार ऐसे ही तो बढ़ता है। देशभक्त के लिए कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, क्लास की जरूरत नहीं होती कि जी आपको देशभक्ति सिखाई जाए, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की इस मिट्टी के तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वो टाइम पहले था, आजकल अनपढ़ आदमी मोबाइल ऐसे चलाता है कि ऐसे हैकिंग करते हैं जिसको अंगूठा से चलाना था, लेकिन वो हैकिंग ऐसे कर लेते हैं कि कैसे किसका अकाउंट ब्लॉक करना हो, आप हैरान हो जाएंगे मैं और आप। तो मतलब नहीं, अभी सोशल मीडिया पे बहुत देशभक्ति बढ़ गई है, आपको क्या लगता है? ये सोशल मीडिया पे ही बढ़ गई है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं तो बहुत, मेरा हमेशा से एक वर्डिंग रहता है। अभी बीच में हम लोग चाइना के साथ में फाइटिंग हुआ, ये था वो था, तो मैंने उनको बोला कि युद्ध लड़ो, ये कर दो, आर पार की लड़ जाओ, मर जाओ, मार देंगे, ये कर देंगे, भारत माता की जाओ, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। तो मैंने एक मंच के ऊपर यही बात बोली कि युद्ध लड़े बहुत अच्छी बात है, युद्ध लड़ेगा कौन? नेता भी, नेता तो जाएगा नहीं जाएंगे तो सैनिक, चलिए साथ में बोला। तो उस टाइम है ना, बोलना बहुत आसान है, मैं बोलता रहा हूँ आपको। आप एक मेरे एक बहुत वाईफाई बंदे थे मुंबई में, वो बहुत बोलते थे, बोलते कि दीपचंद जी मैंने तो ऑफिसर के लिए ये क्वालिफिकेशन किया, मैंने तो वो किया। मैंने बोला अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है आपकी। एक बार मैं उनको कारगिल में लेके चला गया, मैं वो
25 और 26 का प्रोग्राम था, वो 25 तारीख में ही बोल दिया कि सर मेरा तो रिजर्वेशन कल का ही होता था, मैं कल बाहर जाता। मैंने बोला क्यों? अरे बोला मतलब क्योंकि वहां आपके मुंबई में नौकर चौकर बड़े बड़े आदमी यहाँ सारा डब्बा लेकर के बोलता है कहाँ जाऊं। वो बोला बंदे ने बोल दिया सर वो सामने पहाड़ के पीछे वहां पर बना हुआ है और डब्बा कभी देखा नहीं उसने, डब्बा लेकर के आउटडोर द्वारा बंदा वो आगे जाकर के बोलता है वहीं पर टंकी है और बाजू में वो बना हुआ है। तो बोलता यार मतलब आपको चंद घंटे रहना मुश्किल हो गया, हम तो पूरी जिंदगी वहां पर गुजारते। तो बोलना बहुत आसान है, हर व्यक्ति के लिए बोलना बहुत ही आसान है, मगर करना उतना ही मुश्किल है। अब जानना चाहेंगे सर कि कारगिल वॉर जो था वो कहां से शुरू हुआ, आप कहां थे उस वक्त और कैसे? मैं मैम उस टाइम कारगिल वॉर से पहले मैं ऑपरेशन रक्षक में था, जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है वहां पर था मैं। मैंने वहां पर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया था और उनकी वेशभूषा में रहता था मैं, दाढ़ी दूढ़ी बना करके, और मेरी बटालियन का जो खुफिया विभाग जैसे था, जो इसको अंग्रेजी में INT बोलते हैं, उस सेक्शन में था और खुफिया जानकारियां हम निकालते थे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स के बहाने। तो हमने वहां पर 1 से 1.5 साल गुजारा और काफी टाइम गुजारना था, मगर कारगिल का वार हो गया तो उस दौरान भी हमने मेरी बटालियन और हमने, क्योंकि सैनिक है ना, सैनिक अकेला कभी कुछ नहीं करता है, उसके साथ में पूरा एक बेड़ा चलता है, एक हमारा बटालियन रहती है, हमारा एक साथी रहते हैं, दूसरे को समर्पित रहते हैं। तो हम सभी ने मिलकर के 7 से 8 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा, जिसमें हमारे एक जवान अवतार सिंह साहब भी शहीद हो गए। और उसके बाद में वहीं से हम लोगों को जिस चीज का एक सैनिक भर्ती होता है मूव टू कारगिल, उसका हमें फिर वो ऑर्डर मिल चुका था कि भैया कि आप कारगिल के लिए, क्योंकि पीछे से जो सेना आने वाली थी वो बहुत ही देर तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो क्या नीचे थी और हम वहीं पर थे। तो जैसे ऑर्डर मिल चुका था कि भाई पीछे वाली सेना है वो आप लोगों की जगह ले लेगी, आप मूव टू आगे। तो हम लोगों ने एक खुशी की बात थी, मेरी बटालियन मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हमें 48 आवर्स का मौका मिला था पहुंचने का, सेना में कोई टाइम मिलता, लेकिन जोश इतना था हमारे अंदर कि इस टाइम को हम भुला नहीं सकते और हमने अपनी गन को 24 घंटे में ट्रॉलिंग पर लगा दिया। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आन देश की ब्यान देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपने देश की ये पहचान है। तो इस तिरंगे के लिए हमने 24 घंटों के अंदर ही अपने मोटर्स को वहां पर लगा दिया था और वहीं से ये कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। सर क्या रहता युद्ध? देखो हमने तो युद्ध, देखो हमने भी युद्ध लड़ा नहीं था, पहला एक्सपीरियंस था आपको बोल दे। और पहला मेरा क्या था कि 71 वार के बाद में सोच लिया गया था कि भाई युद्ध होगा नहीं, मगर ये युद्ध एक ऐसा था कि दोनों देश परमाणु शक्तियां थी, पहला युद्ध है विश्व के अंदर, एक तो हाईएस्ट था, दुश्मन हमारी ही जगह पर हमारे ही बंकरों पर कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारी ही चोटियों पर बैठा हुआ है और मजबूती से बैठा हुआ है, पहला तो ये था। दूसरा ये था कि दोनों देश परमाणु शक्ति है और विश्व के अंदर दोनों परमाणु शक्तियां आपस में टकराई, पहली बार टकराई, ये एक बहुत ही एक चीज का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद में हमें जब ये बताया गया था कि भाई सर्वाइवल करना, मतलब कि भाई हमें ये जानकारी दी गई थी कि दुश्मन का एक सैनिक अगर मरेगा तो हमारे 10 आदमी शहीद होंगे, ये हमें बताया गया था। फिर भी हमारे हौसले कम नहीं थे, हमारे हौसले बहुत बुलंद थे, ये बुलंद थे कि तो मैं कारगिल लड़ाई के बारे में 2-3 पॉइंट बता देता हूँ कि पहले तो मैंने 3 पराक्रम लड़े हैं, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान, 3 हम लोगों ने पराक्रम में भाग लिया मैंने और तीनों में ही हमारे यूनिट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इससे पहले मेरी बटालियन आपने सुना होगा ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें हमारे बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था, वहां पर भी मेरी बटालियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया और मेरी बटालियन को वहां पर भी 2 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे, एक सेना मेडल मिला था, एक जोशी NCC मिला था और वहां पर भी मेरी बटालियन ने भरपूर फायर सपोर्ट देकर के
ऑपरेशन मोगदूत का जो एक कहानी थी उसको पलटी मार दी थी पूरी। सेचिन ग्लेशियर की बात है, 1987 की बात है ये। उसके बाद फिर मेरी बटालियन के लिए बहुत सुनहरा मौका था कि दोबारा से कारगिल के अंदर अपना हुनर दिखाने का। तो पहली ही जो हमने तोप थी वो तलौलिंग के ऊपर लगा दी। ये कारगिल कहानी बहुत बड़ी है मगर आपको मैं शॉर्ट में कारगिल की, तो मेरी बटालियन ने पहला जो गोला था वो मेरी तोप से निकला था और मेरी बटालियन के लिए बहुत फक्र की बात है कि वही डाटा हमारी पूरी 8 तारीख को दिया गया था। तो मेरी बटालियन ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया। वहां इतना आसान नहीं 8 जगह बोलना, यहाँ से यहाँ बैठना नहीं था, वहां पर तोप को कंधों को उठाना है, ऑक्सीजन की कमी है, मौसम अनुकूल नहीं है, हमारे दुश्मन ऊपर बैठा हुआ और हमारे लिए अनजान जगह है, बारिश हो रही है, कोल्ड एरिया है हाईएस्ट वर्ल्ड का गुमरी, और पहली बार हमने वो चीजें देखी, बर्फ का इतना ठंडा हवा चल रही, पूछो हमारे ऊपर से गोलाबारी, उन्हीं बीच में हमने अपनी तोपों को चढ़ाना है, मगर हमारे हौसले बिल्कुल कम नहीं थे। तो ऐसे करते करते हमने 8 जगह अपनी तोपों को चढ़ाया, भरपूर फायरिंग दिया, हमें खच्चर भी नहीं मिलते थे वहां पर, हम खुद काम करते थे। तलौलिंग के ऊपर ही मेरा ये पॉइंट था कि हमें राशन मिले ना मिले, अमुनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये हर सैनिक का यही एक वाक्य था, और जो युद्ध लड़ा है ये युद्ध में हर व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो कोई भी योद्धा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सेना से बड़ा कोई भी योद्धा नहीं है, देश से बड़ा कोई भी नहीं। तो ऐसे करके मेरी बटालियन ने लगभग इस युद्ध के अंदर 10,000 गोले जो तोप के होते वो फायरिंग किए, और 12 गैलेंट्री अवार्ड मेरी बटालियन को मिले, और कारगिल लिखने का जो सौभाग्य है वो मेरी बटालियन को मिला, और आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और मुझे प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा हूँ जिस बटालियन ने हमेशा से ही दुश्मनों को मतलब लोहे के चने चबाए हैं। इस युद्ध के अंदर हमारे 500 कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, ये हम सबको पता है या आपको भी पता है, मगर अगर पता नहीं है आपको तो इस चीज का पता नहीं है। इस युद्ध में मैंने अपने परम मित्र मुकेश कुमार को खो दिया था, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज भी मैं उस चीज को याद करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है कि काश उसकी जगह मैं क्यों नहीं गया जब हम टाइगर हिल की लास्ट ट्रायल लड़ रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी था कि मेरा एक दोस्त चला गया, और मैं आज भी सोचता हूँ कि उसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। बहुत चीज की ये भरपाई मेरे जीवन में आज तक भी नहीं किया। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में अटैक हो गया, पार्लियामेंट में अटैक होने के बाद में ऑपरेशन पराक्रम इस लड़ाई का नाम दिया गया, पूरी बटालियन इसको बॉर्डर पर लगा दिया गया। 1 साल बॉर्डर पर रहने के बाद में बाहरी विदेशी जो शक्तियां थी उनका फिर दोबारा से प्रेशर आया कि युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध ही सब कुछ नहीं होता, युद्ध दोनों सेना लड़ती है, दोनों सैनिकों का रक्त बहता है। अब हमारे लिए तो ये सब कुछ होता है कि जी पाकिस्तानी को आखिर में एक सेंटेंस में अगर देखा जाए है तो हम लोग एक दूसरे इंसान ही, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, हम लोगों को एक दुश्मन बना के रख दिया है, सरहद के ऊपर हम दुश्मन हैं। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, कितना नरसंहार होता है। आज बोलना बहुत आसान है कि हमने जी ये युद्ध जीत लिया, लेकिन उसके पीछे कितने माओ के लाल गए हैं, कितने हमारी जो बहनें विधवा हुई हैं, वो चीजें बहुत मायने रखती है। मतलब 1 साल रुकने के बाद में जब हमारा मूव टू पैकिंग का ऑर्डर आ गया, हम मेन लोकेशन में पहुंच गए और हम स्टोर सेट कर रहे थे, स्टोर सेट करते ही बक्सा छूटा और ब्लास्ट हो गया, जिससे मेरा ये राइट हैंड चला गया, उसी टाइम राइट हैंड चला गया था, मेरे पेट में पूरे चित्रे हुए ऐसे पूरा लग गया, स्प्लेंडर इधर लग गया, टांगे पूरा चूरा चूरा हो गई थी। वहां मुझे उठाया जा रहा था तो हमारे उठाने वाले मेरे को बोले थे, मैं उनको बोला था रो मत मुझे कुछ नहीं होगा, मगर उनको ये पता था कि ये चंद सेकंड का मेहमान है, ये आखिरी सांसें ले रहा है इसलिए बोल रहा है, मगर भगवान को कुछ और मंजूर था। हॉस्पिटल में ले जाया गया और मेरी बटालियन ने पूरा जी जान लगा दिया, पूरा जितना खून चाहिए खून ले लो, इस बच्चे को बचाओ। मेरे कमांडिंग ऑफिसर आ गए तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला डॉक्टर से क्या है इसका इरादा, तो डॉक्टर ने बोला सर 5% चांसेस हैं अगर इसको काट कूट देंगे तो, बाकी 95% इज द डेथ, क्योंकि पूरा लेवर मेरा फटा हुआ, पेट का पूरा आंतरिया जब बाहर है किसी आदमी की तो कैसे होगा, मतलब मेरे दोस्त पूरे आंतरिया डाल रहे। तो लेकिन एक ये पल था तो मेरे सीओ ने किसी का इंतजार नहीं किया साइन करने के लिए, जिसके ऊपर साइन करते हैं उसके ऊपर साइन किया,
फोरम पर, और उसने बोला कोई बात नहीं आप अपना काम करिए, मैं बाकी अपना काम करता हूँ। भगवान से दुआ करते हैं और मेरे लिए फिर मंदिरों में प्रार्थना वगैरह शुरू हो गई, और मेरी बटालियन ने बहुत बड़ा योगदान दिया इसके लिए। मुझे 17 बोतल खून की चढ़ी थी उस दिन। 17 बोतल खून की चढ़ने के बाद में डॉक्टर ने बोला जी 72 घंटे बाद में इसको होश आएगा, अगर ये उसके बाद में बताएंगे। मगर पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद में जब सवेरे डॉक्टर ने ये बोला कि 72 घंटे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं सिर्फ खाली आंखें खुल रही थी, बाकी पूरा बारूद से पूरा मुंह जला हुआ, ये मुझे जो आज आपको नजर आ रही है ये उस टाइम पूरी जल चुकी थी, और पूरा बुरा हाल था, मतलब जमा पूरे तरह पट्टियां ऑक्सीजन ये वो लगी। मेरी आंखें खुली तो ये बाद में हमें मेरे जो साथ में बंदे थे उन्होंने बताया कि उस टाइम क्या बीता था। जैसे मेरी आंख खुली मेरे साथी ने देखा, उन्होंने नर्स को बताया कि सर होश आ गया है। नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर आया और उसने मुझे देखा, बोला आंखें खोलो, मैं सुन रहा था तो मैंने आंखें खोली तो मुझे दिख रहा था। और उन्होंने मेरे सीओ को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। तो मेरा सीओ हैरान था और मेरे सीओ के मुंह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ? सीओ बोला मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया अभी नहीं मरेगा वो बोला। तो वो एक सीओ का एक ऐसा वर्डिंग था, और दिल से चाहता था मेरे को सीओ साहब भी, मेरी बटालियन बहुत दिल से चाहती है, मेरे को आज भी चाहती है। और उसके बाद मेरी सीओ का जो वर्डिंग बोला हुआ है, एक अमृत मेरे लिए रामबाण हो गया है, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो उनका जो वचन था एकदम ऐसे सत्य हो गया है। और आज आपके सामने हूँ मैं, और आपके सामने बिल्कुल हंसता खेलता हूँ मैं, और आज मैं बोलता हूँ आन देश की ब्यान देश की हम संतान है, और 3 रंगों से रंगा तिरंगा यही देश की पहचान है। ये इसलिए तो ये बार बार जहन में आता है कि भाई इस जो तिरंगा है हमारा, और आज मौका आ चुका है हम लोगों के लिए कि भाई जिस मातृभूमि का हमने कर्ज चुकाना है, एक टाइम अपनी माँ का कर्ज चुका सकते हैं, मगर इस मातृभूमि का कर्ज चुकाने का हर आदमी को मौका नहीं मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा एक महत्व था हर व्यक्ति के लिए कि आज कुछ करके दिखाना है। इसलिए तो बोलते ना कि योद्धा पैदा नहीं होते, योद्धा सेना बनाती है, योद्धा सेना के अंदर ही होती है। इसलिए वही मौका था, हम इस मौके को कोई भी व्यक्ति हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, कोई भी बटालियन कोई भी सोचती थी, क्योंकि ये चीजें उस टाइम नॉर्मल लगती थी, लेकिन युद्ध के बाद में बहुत चीजें होती है जो हमारे प्रदर्शन को दर्शाती है। तो ये मौका हाथ से आ गया तो आप ये सोचने वाली बात है, हमारे अंदर पहली बात तो सेना के अंदर अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, अनुशासन और एकजुटता, अनेकताओं में एकता की पहचान है, वो है इंडियन आर्मी। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न प्रांत से बंदे आते हैं, सैनिक आते हैं, और यंग आते हैं, 17, 18, 19 साल की उम्र में आते हैं, जिनको आप आज देखिए, आप अपने बच्चे कोई चले जाते तो 20 बार हम फोन करते हैं कि बेटा कहाँ पहुंचा, बाहर का पानी नहीं पीना। हम तो बिल्कुल उस भुट्टे की तरह थे, अगर चने भी खा लो तो भी भुट्टा खड़ा खड़ा काम आएगा। बिल्कुल मतलब क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी इस तरफ से हुई थी। मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो सपना था सेना में आने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, देख करके ही मुझे मन में आया था उत्साह, और मेरे दादाजी के कर्मों से ही मैं सैनिक बनने की मेरे को जो एक हौसला मिला। मगर एक चीज का ये भी है कि सैनिक बनना जितना लगता है बाहर से उतना आसान नहीं है। ये वर्दी हमारी, ये वर्दी मैं इसलिए नहीं बोलता, इस वर्दी के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपना पसीना। इसलिए हम सेना में बोला जाता है कि शीतकालीन के अंदर अगर आप अपना पसीना बहाओ के तो युद्ध की स्थिति में आप अपना खून बचाओगे। हम लोग आप लोग सोचते हैं कि यार अभी आपके गुजरात में कोई वड़ोदरा में फोन होगा, अहमदाबाद में रेजिमेंट है, सोचते आराम करेंगे, नहीं, हमारी ट्रेनिंग 24 घंटे चलती रहती है, अभ्यास कर्त कर्त अभ्यास। अगर हम अभ्यास भूल गए तो युद्ध भूमि डायरेक्टली कैसे करेंगे, आप ये बताइए। डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगी जी लड़ाई लड़ो, क्या लड़ेंगे हम लोग, एक दूसरे की तरफ देखेंगे उन लोग की तरफ। तो इसलिए अभ्यास हमारा हमेशा चलता रहता है, हमारे माइंड में एक चीज हमेशा रहती है कि युद्ध कभी भी आ सकता है, इसके लिए हमने कभी भी देश के लिए कुर्बान होना पड़ जाता है, ये हमें पता भी रहता है, क्योंकि
ये पता होते हुए हम वॉलंटियर्स इस इंडियन आर्मी के अंदर आते हैं कि देखो जी कभी भी युद्ध होगा तो हमें अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देना है, ये पता रहता है हम लोगों को, वही एक मन में, लेकिन मन में क्या रहती है कि हर आदमी को मौका नहीं मिलता, लाखों सैकड़ों अभिभावक यंग लड़के इंडियन आर्मी के लिए दौड़ने के लिए आते हैं, मगर कुछ ही किस्मत वाले होते हैं जिनको इस वर्दी पहनने का मौका मिलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वर्दी नहीं है, हमारी अंतरात्मा है। जैसे करण ने जन्मजात वो चीजें पाई थी, तो हम भी 17-18 साल में एक बार ये पहन लेते हैं तो ये हमारे कवच और कुंडल हो जाते हैं। जब सैनिक अपने ताम झाम और श्रृंगार के साथ बैठता है, क्या के कोई भी सब श्रृंगार फेल है सैनिक के सामने। एग्जैक्टली बिल्कुल सर। तो सर वहाँ पे क्या माहौल रहता है, मतलब आप लोगों की सुविधाएं क्या क्या मिलती है, क्या खाते पीते हो, मुझे सब कुछ जानना है वहाँ का। मैम खाना पीना तो नॉर्मल रहता है, देखो क्योंकि सेना में ना एक नॉर्मल रहता है, हम लोग ज्यादा तीखा ज्यादा तड़ा हुआ नहीं खा सकते, सबका साधारण खाना होता है। हमारा हर चीज एक क्वांटिटी होती है कि आपने दिन में नमक इतना ही खाना है, हमारी एक एसओपी बनी होती है कि नमक 9 ग्राम है तो 9 ग्राम रहेगा, चाय आपकी 12 ग्राम, ऐसे हर चीज की आपको दाड़े हैं जो आपको 110 ग्राम मिलेगी पूरे दिन में, तो ऐसे एक एसओपी बनी हुई है। यहाँ तक कि पहले हमारे पास जब हम दारू पीते थे तो 60 ml ही मिलेगी आपको, भाई सर्दी इलाके में अगर आपने नहीं पीनी वो आपकी बात है, लेकिन मतलब हर चीज का एक टाइम टेबल है। तो आप ये बताइए हमारे पास में हजारों सैनिक ऑफिसर्स मैम साहब जवानों की फैमिलियां इकट्ठे रहते हैं और वहां पर खा पी भी चलती है, दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी होती है, लेकिन क्या मजाल कोई किसी को अपशब्द बोल दे, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये एक डिसिप्लिन है सेना का कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कि पी करके यहाँ सो जाओ और वहां दुश्मन ने अटैक कर दिया क्या करोगे आप, तो हर चीज की एक सीमाएं रहती है और हमेशा जो पोस्टों के ऊपर हमेशा बंदे तैनात रहते हैं। ये चीजें बनाई गई है, वो बेकायदा किसी ने जो बनाई हो सोच समझ के बनाई है, इसलिए तो हम लोग सैनिक बड़ी मुश्किल से ही बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक जो भी लिमिटेड का हर चीज का मसाले देख करके उसी का खाना दिया जाता है, इसलिए हम तरोताजा भी रहें और बीमार भी ना पड़े। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा तड़ा हुआ खा लिया बंदे, हर आदमी देखो आप सेना में कितने साल करने के बाद भी बंदे हट्टे खट्टे आते हैं, आज भी बंदा लगता है कि ये दोबारा से मतलब जंग जीत ले, क्यों है? क्योंकि एक तो उनके अंदर जो खाने पीने से ज्यादा जो है ना वो आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास होता है। क्यों रहता है? क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए आता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, देश के प्रति तो सब आदमी समर्पित है, मगर आपको पता जब युद्ध होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथी दूसरे साथी को धक्का दे देता है और खुद आगे लड़ जाता है। तो ये एक इंडियन आर्मी के सोल्जर के अंदर ये है इंडियन आर्मी का। वो ऐसा कोई वाक्य जहाँ पे आपका स्वागत किया गया हो सैनिक होने के नाते और शेयर करना चाहेंगे जो आप कभी ना भूल पाए? जैसे आपने अभी कल बताया था कि इंडियन आर्मी के बारे में, जैसे मैं भी अभी कई साल पहले, कई साल से 5 या 7 साल तो हो गए होंगे इन बातों को, मैं पुणे से और मुंबई, पुणे से दिल्ली जा रहा था, तो मेरा बेटा है ना फोटो उतार रहा था जहाज के, तो वहां पर हरीश नारायणी पायलट थे जो एयर कमांडर थे, हमें नहीं पता था कि वो एयर कमांडर है या उनका नाम ये है, मतलब वो ऐसे घूमते घूमते वो टायर टूर इधर उधर टंग टंग करते ऐसे चेक करते वो आ रहे, तो मैं लड़के को बोल रहा हूँ बेटा फोटो मत उतार छोटा लड़का मेरा तो वो तब तक वो धीरे धीरे पास में ही पहुंच गए, मतलब उसने मैं व्हील चेयर पर था, उन्होंने मुझे देखा तो कुछ बोला कि यू आर वार हीरो, तो मैंने बोला सर यस सर मैं नायक दीपचंद और मैंने 99 का वार लड़ा सर पूरा, तो उन्होंने बोला ओके आज हम बैठे कहाँ जा रहे हो, पूछा उन्होंने तो मैं दिल्ली जा रहे हैं, तो बैठ के अंदर अंदर बैठने के बाद में हमें भी नहीं पता था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे अंदर बैठे तो उन्होंने सीट शर्ट पूछा हमारी कौन सी सीट नंबर है, तो उन्होंने बता दिया, और जब वो फ्लाइट उड़ रही होती है तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं इसका जहाज का पायलट बोल रहा हूँ कैप्टन ये और आज हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ी हस्ती है कारगिल। तो फिर फ्लाइट में जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो जनता ने पीछे देखा कि हाँ भाई ये इतने नंबर सीट पे बैठा है, तो जनता ने ताड़ी तोड़िया बजाई कि आप लोग रियल हीरो को देखिए भाई जिन्होंने कारगिल जैसा युद्ध लड़ा। और उसके बाद में फिर दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे उतरने दिया, सबसे पहले बोला आप उतरेंगे उसके बाद फिर बंदे उतरेंगे,
तो 180 पैसेंजरों ने मेरा काफी स्वागत किया। और ये 4 तारीख की बात है, 4 मई की। उसके अगले दिन ही मेरा जन्मदिन था, तो अगले दिन फिर काफी न्यूज पेपर में ये काफी बहुत आता है, मतलब इसलिए बोलते हैं कि कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई दौलत में मरता है, एक जाबाज फौजी तो अपने हिंदुस्तान की शान पे मरता है, हिंदुस्तान की शान पे मरता है। क्या बात है। ये हमारे नारायणी साहब ने दिखा दिया कि भले ही आज हम लोग वर्दी नहीं है शरीर पर, लेकिन जो हमारी चाहत है एक दूसरे के प्रति, एक देश के प्रति और देश के सैनिकों के प्रति, तो वो मुझे उस टाइम एहसास हुई कि देखो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर के लिए, एक एयरफोर्स के ऑफिसर जो हमारे, वो भी सैनिक ही समझ लो, हमारे पद अलग अलग रहे लेकिन कैटेगरी कुछ भी रहे, लेकिन एक सैनिक सब कहलाते हैं, तो उन्होंने एक सैनिक को, एक दूसरे सैनिक ने कितना सम्मान दिया, ये मेरे लिए आज भी है, एक मेरे लिए एक अजूबे की माफिक था कि भाई जिस चीज की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कभी ये भी होगा कि आपके साथ में, और अभी वो सर अभी 60वां वर्षगांठ मनाया, 60वीं अपना 60 साल के होने वाले हैं, अपनी जन्मदिन की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो मैं उनको अभी से ही बधाई देता हूँ, अक्टूबर में उनकी 60वीं वर्षगांठ है, उनका जन्मदिन है, और अभी से मैं आपके माध्यम से हरीश नैनी एयर कमांडर साहब हैं, उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ऐसे ही वो आगे भी जवानों के लिए और अपने लिए ऐसे कुछ काम करते रहे, देश के लिए काम करते रहे। तो हमारी तरफ से भी जन्म दिवस की शुभकामनाएं। यही दिखाता है कि आपने किस हिसाब से ट्रेनिंग किया है, आपने देश को क्या समर्पित करना है। जैसे भी आपने कल परसों बोला ना कि हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि कर्म, आपका जन्म चाहे झुग्गी झोपड़ी में हुआ है चाहे महल में हुआ है, निवस्त्र हम पैदा हुए हैं, कोई भी वस्त्र के साथ पैदा नहीं हुआ है। ये हमें सोचना चाहिए कि तन पे हमारे भी कपड़े नहीं थे, अमीर के भी कपड़े नहीं थे। उदाहरण ये है कि भाई अमीर के घर में हो जाते हैं तो भैया सोने के कपड़े पहना दिए जाते हैं और एक गरीब के घर में टावल डाल दिया जाता, मगर जो कर्म रहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जन्मजात कोई भी अमीर गरीब नहीं होता है, हमने अपने कर्म करने हैं। तो मेरा हमेशा यही है कि नायक दीपचंद को अगर आपने जानना है तो एक उनके कर्मों से जाना जाए कि मैं कार्य क्या कर रहा हूँ, और देश से बड़ा मैम कोई भी नहीं है, देश से बड़ा ना आप हो ना मैं हूँ, कोई भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि मेरे जो हिंदुस्तान की सेना है और सैनिक है तो देश है, और देश है तो फिर हम सब हैं सब यार, क्योंकि ये उदाहरण आपको मैंने बताया था कि अफगानिस्तान में देख लिया है। पहली बात तो ये हिंदुस्तान के अंदर नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इतने कट्टरपंथी हैं, अपना सर्वोत्तम बलिदान दे देंगे मगर कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने कदम रखने नहीं देंगे अपनी मातृभूमि पर। मगर ये आने वाली जो हम लोगों के लिए एक सीख है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कभी सेना भाग सकती है। और यही एक मैं चाहता हूँ कि भाई हर आदमियों को, अगर आप सैनिक नहीं बन सकते तो सैनिकों का सम्मान आप दिल से करें। आपके दिल में क्या है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत से आदमी मेरे को बुलाते हैं संस्थाओं में, बहुत बड़े बड़े बुलाते हैं, मैंने जो कल भी बताया था आपको, मगर जो रियल में कुछ करना चाहिए कुछ हटके करते हैं। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिला जयवंत रावत मुंबई में, 60 साल उम्र है, उसने बोला कुछ करना, वो सैनिकों को बुलाता है, और सैनिकों को बुलाने के बाद में जैसे मेरे माध्यम से, जैसे मेरे पास में हजारों सैनिक जुड़े हुए हैं मेरे से, तो मैम हम लोग है ना जो शहीद हो जाते हैं, मेरे भाई जो शहीद हो गए उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, और ये आपको भी पता है, उसी तरह जो दिव्यांग हो गए हैं उनका शरीर कोई नहीं ला सकता है, मगर जो शहीद हो गए हैं उनका हमें बहुत दुख रहता है, शहीदों के लिए बहुत प्रोग्राम रहते हैं हमेशा देखिए आप, मगर जो दिव्यांग आदमी है उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं रहता, वो बीच में ही लटक जाते हैं। आप जैसों के पास जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब नहीं मिलता, गवर्नमेंट हमें पेंशन देती है, गवर्नमेंट से हम खुश हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलोगे जी भाई लुक आफ्टर करते, लुक आफ्टर हो रहा है, मगर जो परिस्थितियां आती है सामने, अगर कल दिव्यांग होने के बाद में जल्दी होश से बाहर कर दिए जाते हैं, जो आदमी सेना में भर्ती होता है उस दिन के लिए, मगर जब रिटायरमेंट होने के बाद में जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब परिस्थितियां उल्टी हो जाती है, जिस पेंशन से घर चलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण करें या एजुकेशन करवाएं। आप जैसे बंदों के पास जाते हैं तो जी मैं मेरा उदाहरण देता हूं, मैं कईयों के पास स्टार्टिंग में गया, उन्होंने बोला दीपचंद साहब आप क्या काम करेंगे, ये आपकी कंडीशन है, आपको तो हम आप बोलिए हम तो वैसे दे देंगे आपको 10-15 हजार जो भी महीने का आप बैठे बैठे लीजिए,
तो मेरे को बड़ी आत्मगिलानी होती थी, साला खुदगर्ज आदमी हम लोग, पैसे ऐसे कैसे लेंगे तुम्हारे से, क्यों ले हम लोग, हम सैनिक आदमी, हमने साला ये चीजें सीखी नहीं है कभी भी। तो एक खुदगर्जी भी थी, तो नहीं लेंगे ऐसे, और बोला आपकी मर्जी है। और ये हर सैनिक की यही दायित्व, वो कभी भी इस चीज को तवज्जो नहीं देगा। ये हमारा दायित्व बनता है कि हमने किस तरह से हेल्प करनी है। तो उसके बाद मैम ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को बड़ा कैसे करें, इस तरह बंदे मेरे को फोन करते रहते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिस दोस्त को मैं लेके गया कारगिल में, वो दोस्त मेरे घर पर 10 लाख रुपए लेके आया कि दीपचंद जी ये 10 लाख रुपया आप एक नई गाड़ी ले लो। आप ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि एक नई गाड़ी ले लो। तो मैंने बोला सर मैं क्या करूंगा गाड़ी का, उसका पेट्रोल कौन डलवा दूं, गाड़ी तो आप दे दोगे, हाथी तो मेरा भी सपना था बचपन में, मेरे दादा को बोलता था मैं हाथी को पालूंगा, मेरे दादा बोलता था हाँ पालना, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला हाथी इतना खाता साला मैं कहाँ से खिलाऊंगा, वो सपने टूट गए पूरे। और ये मेरे दादा मेरे को कई बार बोलता था, जब तू छोटा था तो बोलता था हाथी पालूंगा, क्या हुआ, मैंने बोला बचपन में बोल दिया होगा। वो बात है मैम की, फिर मैंने उनको उदाहरण दिया कि सर आप गाड़ी तो दिला दोगे, उसका पेट्रोल कौन डलाएगा, बाद में ड्राइवर कौन रखेगा, बोलता वो बाद में देखेंगे। अभी तो मैंने उनको ये बोला कि आप अभी मेरे सामने सूखी रोटी रखी हुई है, आप मेरे को बोलते हैं सूखी रोटी मत खाओ, मैं आपके लिए पनीर मंगाता हूँ, चिकन मंगाता हूँ। तो मैंने बोला आज की कंडीशन क्या है, मैंने उनको उदाहरण दिया, आज मेरे बच्चे की फीस भरने की मेरे को नौबत, मैं मेरे बड़े लड़की की फीस कैसे भरूं, और आप मेरे को गाड़ी के लिए पैसा दे रहे हो, जहां पर 2 लाख रुपए मेरे बच्चे की फीस की नौबत आ रही है। तो मतलब उनके दिल में ये नहीं आई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब मेरे गाड़ी की जरूरत थी, मुझे क्या जरूरत थी, मेरे बच्चे की एजुकेशन जरूरत थी, ये मेरे साथ बीती कहानी बता रहा हूँ। तो वो 10 लाख रुपए भाई साहब मुझे गाड़ी के लिए देने के तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार क्या 1.5-2 लाख की बात है, तुम्हारे बच्चे की पहले फीस भरिए तुम, ये बातें नहीं हुई। और मैंने उनसे पैसा नहीं लिया, मैंने बोला ये आपकी मेहनत का पैसा है, आपने अपने खून पसीने की कमाई सिखाया है। और मेरा हमेशा से वसूल है मैम, मैं हमेशा से, अभी जैसे बहुत से आदमी दोस्ती करते हैं कि भाई आपसे दोस्ती होगी, मैडम पता नहीं कब काम आएंगी, ये आएंगी, मैं कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आप पे क्या काम आ सकता हूँ। मेरा हमेशा से ही एक उल्टी सोच चलती है, मैं बड़े बड़े आदमी के पास भी जाता हूँ, उसको बोल रहा हूँ सर आप मुझे बताइए, कहीं भी जरूरत पड़ती है आपको तो मुझे बताना, आपको मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। मैं कभी भी ये लालच नहीं करता कि आप बड़े आदमी हो, और ये बड़ा कौन है, मैं बता रहा हूँ आपको, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अंदर आत्मा से आप क्या हो वो तो आपने देखना है, वो चीजें देखना है जी। ये चीजें मेरे पास जब फोन आते हैं, बहुत से बंदे बीमार हो गए हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं, किसी को व्हील चेयर नहीं मिलती। आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 साल पहले आप जैसे ने मुझे एक व्हील चेयर दिया इलेक्ट्रिक का, घर पर दिया, और मैंने मेरी बीवी को बताया 2 बजे के आसपास हमें व्हील चेयर मिली वो, और वैसे कैसे रख दिया, खोला नहीं। आपने एक मैडम ने अहमदाबाद से ही फोन किया कि सर थे और मैडम थी, उस सर आपको व्हील चेयर मिल गई, बोला हाँ सर बहुत धन्यवाद आपका, ये था वो उन्होंने मेरे लिए दिया। दिल्ली से मेरे एक कैप्टन अखिलेश सिन्हा ने उनको बताया यार व्हील चेयर देनी है ऐसे ऐसे बंदे को, नायक दीपचंद है, उसकी कंडीशन है, उन्होंने मेरे लिए इलेक्ट्रिक भेजा मैम, ऐसी बात नहीं भेजा। और हमने जैसे ही दोपहर का लंच किया, तकरीबन 4:30 के आसपास एक व्यक्ति राजस्थान से फोन करता है कि नायक दीपचंद बोल रहे हैं, बोला हाँ सर, अरे बोला सर मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मैं फेसबुक पर ये था, मैंने बोला भाई क्या हो गया पहले शांति से, सर मेरे को 3-4 बच्चे हैं, ये था, मैंने बोला बता भाई मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सर हेल्प के लिए मैंने आपको फोन किया, आप बहुत आदमियों के पास जाते हो, और मैंने बोला क्या है बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर एक तो मेरे पास व्हील चेयर नहीं है सर, मैंने बहुत जगह लेटर डाल दिया, मेरे को व्हील चेयर की बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने फिर मन में विचार लगाया कि ये देखो अभी तक किसी का फोन नहीं आया, और वो पैरालाइज था, मैं थोड़ा बहुत चल लेता हूँ लेकिन वो नाभि से नीचे नीचे कुछ काम नहीं कर रहा था उसका। तो मैंने सोचा, मेरी वाइफ को बोला मैंने यार हो सकता है क्या पता इसी के लिए आई हो, अभी तक फोन नहीं आया, आज ही फोन आया है। तो फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया, मेरी वाइफ ने भी मेरे को ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जब आपको जरूरत पड़ेगी क्या पता आप दे दो, बोले जो भी आप मन में है ना। तो मैम वो 70,000 रुपये की व्हील चेयर मैंने एक हफ्ते बाद 700 रुपये मैंने खुद से दे करके और उसके गांव में भिजवा दी। मैं अगर लालच करता तो मैं वो 50,000 रुपये में उस दुकानदार को वापस दे सकता था, लेकिन ये बातें मेरे मन में आती नहीं है चीजों के लिए। तो मैंने बोला अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए हमेशा जिए मैम।
एक हमारी मैम है बेंगलोर में, मैं उनसे, मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन मैम ने मेरे को मना किया हुआ कि भाई थोड़ा सा किसी को नाम मत बताना, मतलब वो क्या है कि कुछ कुछ व्यक्ति काम करते हैं ना, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनको एक साल का, उनकी बेटियों का, दो का, मैंने वहां से उनसे बात किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीपचंद जी हम हेल्प करेंगे, उन्होंने उनका भेजा अगले साल से, जिन बंदे के बारे में बोल रहा हूँ जयवंत रावत, फिर उनको मैंने ऐसे ही बातचीत किया तो उन्होंने बोला यार ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो बोलता है हाँ रियल में ऐसी हेल्प करनी चाहिए। उनका क्या मतलब है, वो व्यक्ति क्यों मानता हूँ मैं, वो व्यक्ति 15-15 किलोमीटर पैदल चलता मैम, अगर आपके पास वो आएगा तो आपसे जो पैसा लेगा तो वो बोलेगा कि पैदल चल के जाएगा, पैदल आएगा, वो कहीं पानी नहीं पीता, कहीं खाना नहीं खाता, कहीं चाय नहीं पीता, तो बोलता आपने जो मुझे पैसा दिया है वो सैनिकों के लिए दिया है, मेरी चाय के लिए नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति आप ये बताइए, आज आपके पास धन मांगने बंदा आएगा, गाड़ी पर आएगा वो, और आपके ऊपर एहसान दिखाएगा कि आप मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे दे दीजिए, और गाड़ी पर जाएगा वो, और आपके पास चाय पानी पी के जाएगा, नाश्ता भी करके जाएगा, लेकिन वो बोलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा कि यार, मैं उसको बोलता भी हूँ यार क्या पड़ी हुई इसको इस उम्र में, तो आज भी ऐसे व्यक्ति हैं। तो फिर इस साल उन्होंने उन बच्चों का खर्चा उठाया, और एक मेरे पास में एक दो सैनिक रहते हैं, कई बार उनको भी दिक्कत आ जाती है, वैसे तो सैनिकों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी जो, अभी मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, लेकिन मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो बेचारे उस हादसे को नहीं भूले हैं कि यार मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, आज भी वो बंदे सोचते रहते हैं। तो ये चीजें के लिए मैं आज भी उन सैनिकों के लिए बहुत काम करता हूँ, उन वीर नारियां, वीर माता, वीर पिताजियों के लिए, आप जैसों के माध्यम से, कि उनको हम किस तरह से खुशी दे सकते हैं, मतलब। बिल्कुल सर, ये एक एक बहुत मोटा है मुद्दा है, और आज ये हम लोगों ने सोचना चाहिए। आज हमारे जवान शहीद हो गए, हम शहीदों के लिए बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं, मगर मैंने कभी भी किसी की बात से नहीं सुना कि कभी दिव्यांगों के लिए प्रोग्राम हो, क्योंकि हम बीच के हो गए हैं। हमारी एक सेना में था कि एक गाना होता था हमारे सेना में कि ये एक स्टार या दो स्टार वाले जो होते हैं वो जेसीओज कहलाते हैं, ये इधर के ना उधर के रहते, बीच में धक्का खाते हैं। तो वो बातें हैं मैम, एक मजाक में था गाना, मतलब तो वैसे ही हम लोग है ना, बीच के हो गए हैं कि भाई गवर्नमेंट हमें दे रही है, हमें बिल्कुल, और फॉरन में आप जैसे बंदे जाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई देखो हम लोग विदेशों में गए, वहां पर हर शहीद स्मारक पर उनका तिरंगा फैल रहा था, उनका तिरंगा नहीं, उनका झंडा जो भी उनके देश का था, शहीद स्मारक ऐसी थी कि जैसे मतलब आप एकदम देखते रहोगे, बगीचे टाइप है, फुलवारी है, घास लगा हुआ है, एक मंद मंद ध्वनि के अंदर, जैसे अपना रघुपति राधव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मंद मंद आवाज के अंदर एक धुन चल रही है, भगवान के नाम गान, तो वो चीजें वहां पर बताते हैं, तो मन में हमारे यहाँ आता है कि हमारे यहाँ तो किसी भी महापुरुष की जयंती आ जाए उसी दिन संभालते हैं हम लोग, एक दिन पहले, बाकी कौन है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये हम लोगों ने बहुत बदलाव करना है। अभी आज क्या हो जाता है कि हमने ये कर दिया, मैंने ये कर, कभी भी कोई सैनिक ये नहीं बोलेगा आपको कि मैंने ये कर दिया, देश के लिए किया है हमने, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, कोई भी हमने एहसान नहीं किया, हमें कोई इन्विटेशन नहीं दिया था सेना में आने के लिए, और हमने किया है इस मातृभूमि के लिए किया है। तो मेरा हमेशा से दायित्व ये रहता है कि हमारे जो बीवी बच्चे वो बाद में आते हैं, देश सर्वोपरि आता है। यही अगर हर व्यक्ति जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है अगर वो यही सोचे तो हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। मेरा मानना, मैं आपको कल पूछा था, मैंने क्यों पूछा था, मैं चाहता हूं कि जो हम प्रोग्राम करें, अभी आपको मानो कल मेरी एक वीर पत्नी से बात हुई है, आप ये सोचिए कि उसकी उम्र क्या है, उसका शादी हो गया, शादी होने के बाद 6 महीने भी नहीं हुए हैं, जो जवान 2 महीने की छुट्टी काट के गया और वो श्रीनगर में शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद में वो जो उसकी बीवी है, जो वो 6 महीने बाद एक बच्ची को जन्म देती है, आप ये सोचने वाली बात है कि उसकी कितनी उम्र है उस लड़की की, और उसकी बच्चे को ये नहीं पता 6 महीने बाद, शहीद होने के 6 महीने बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को बाप नहीं है, तो वो दुख दूसरा नहीं समझता। मैं एक सैनिक हूं इसलिए मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि काश, मतलब कैसे कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है, आप मेरे को बताइए। तो वो उन चीजों के लिए अगर आप, मैं उन लोगों को इकट्ठा करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे बंदे आए
और नहीं तो उनका दुख पीड़ा हम कैसे कम कर सकते हैं मिलकर के, कि भाई हम आपके साथ में हैं, आपने अपना पति दिया हमारे लिए दिया, आपने अपने घर के लिए नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग आज फेसबुक ट्विटर के ऊपर और ये वंदे मातरम अमृत महोत्सव पता नहीं क्या क्या मनाएंगे, मगर उनका दुख लेने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए। ज्यादा की जरूरत नहीं है, 135 कोटी आदमी है, कितने हिस्से में एक सैनिक आता है मेरे को ये बताइए, कितने घरों के बीच में एक सैनिक आता है? बहुत कम आता था, लेकिन तब भी हम मैम बढ़ते नहीं इस चीज के लिए, तब भी हम ये सोचते हैं कि हमारा कहो। एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आजकल सब आदमी चलेगा ना, बताऊं जो बात है? जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। जा अभी खेती खाती में सब आदमी मकान बनाने लगे, आजकल तो हर जगह गाड़ियां हो गई है। तो खेती में मकान बना लिया, सब आदमी पहुंच गए, तो खेती में चूहे बहुत ज्यादा थे, और खेती में रहना तो गांव दूर है, और जो देहात के बंदे है ना वो दूध वगैरह भी अपना घर का रखते हैं, तो बकरी गाय भैंस ये वो सब रख लेते हैं, तो उन लोगों ने भी सब कुछ रखा हुआ था, तो चूहा डेली डेली आ रहा था। उन्होंने क्या बोला, यार ये चूहा डेली आता है, उन्होंने पिंजरा लगा दिया, मालकिन ने पिंजरा लगा दिया कि ये डेली डेली आता है इसको पिंजरा लगा दो। तो उन्होंने रसोई घर में जैसे पिंजरा लगाया तो चूहे ने देख लिया जी पिंजरा आ गया है और अभी तुम जाओगे। तो पिंजरा है ना, कबूतर, जो कबूतर वहां पर बाहर दाने डालते थे उसके पास गया कि भाई कबूतर भाई अभी तो आखिरी रात है आज, तो सोचा मिल लूं और पिंजरा लग चुका है तो क्या किया जाए। कबूतर बोलता देख भाई मैं तो उड़ने वाला बंदा हूँ, अब ये तेरी प्रॉब्लम है, अभी तू देख। चूहा बोला ठीक है भाई। फिर वो मुर्गे के पास गया जो उन्होंने मुर्गा पाल रखा था, यार तुम सवेरे जनता को जगाता है, अभी मैं क्या करूं, मैं खाना खाने के लिए पिंजरे में जाना ही पड़ेगा, तो कैसे उपाय है, क्या हो सकता है? मुर्गा बोला भाई देख भाई मैं तो सवेरे अपनी एक अलग जगाता हूँ जनता को जगाने के लिए, और मालिक भी अपना दाना डाल देते हैं, हम दाना खा लेते हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तेरी खुद की प्रॉब्लम है। बोले ठीक है भाई, खुद की प्रॉब्लम तो बेचारा क्या करे भाई, अभी चलो यार आखिरी रात है, तो एक दो उधर और जानवर थे, तो बेचारा बकरे के पास में भी गया, तो बकरे को और बकरियों को बोला कि भैया आखिरी रात है, आज पिंजरा लगा दिया है मालकिन ने और ये होने वाला है, तो बकरा भी यही वर्डिंग बोला, भाई देखो तेरी प्रॉब्लम, इसमें मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बेचारा चला गया, रात हो गई, तो उसने तो भूख से खाना खाने जाना ही जाना था। तो सडनली देखो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कहानी का मोड़ कहाँ होता है कि वो जैसे ही खाने के लिए बढ़ा, उससे पहले उस पिंजरे के अंदर सांप अटक गया और खड़ंग देनी सी आवाज आई, और जब खड़ंग देनी सी आवाज आई तो मालकिन खुश हो गई कि चूहा फंस गया। तो मालिक को जगाया, तो मालिक हिल रहा था, तो उसने सोचा छोड़ो मालिक को, खुशी इतनी थी कि चलो मैं ही चूहा देख लेती हूँ, और उसने अंधेरे में ही पिंजरे की तरफ हाथ मारा और सांप ने काट दिया। सांप ने काट लिया तो जोर से चिल्लाई, चिल्लाने के बाद में मालिक उठा, उसने खेती में लाइट तो इतनी होती नहीं, उसने लैंप जलाया, दीपक जलाने के बाद में लालटेन जलाने के बाद देखा अरे सांप ने काट लिया, तो वो उठा करके वैद्य के पास लेके गई फटाफट, बाजू में एक दो बंदे को बुलाया, वैद्य ने बोला भाई जल्दी से ऐसे करो इनको अभी के अभी ना कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा ताकि ये जहर कम हो जाए। तो बोले कोई बात नहीं, कबूतर तो अपने घर पर ही है। तो बंदे को बोला, वो बंदा गया और कबूतर की गर्दन पकड़ी और कबूतर को काट करके और उबाल करके सूप पिला दिया गया, तो वो थोड़ा जान बच गई। जान बचने के बाद घर पर आ गई, घर पर आने के बाद बोले भाई कमजोरी हो गई है, इसको थोड़ा नॉनवेज वगैरह खिलाओ, अंडे उंडे ये वो। बोले जी कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। उन्होंने पकड़ा मुर्गे को और मुर्गे की गर्दन काट करके और उसको कमजोर से भाई खाओ ही नॉनवेज। तो वो एक डेढ़ महीने बाद में वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में फिर रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आए, तो बोला भाई रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो बोले जी दावत होनी चाहिए। बोला कोई बात नहीं, दावत में होनी चाहिए, तो बकरा घर में ही है भाई, तो बकरे को काट दिया। तो दावत में सब आदमी बकरा खा गए, और जिसके लिए पिंजरा लगाया गया था वो जजमान वही पर था। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आज हम अपनी अपनी बोलते थे कि जी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो ये अपनी प्रॉब्लम कब होगी मतलब। लेकिन सैनिक कभी नहीं सोचता, सैनिक पूरे भारतवर्ष को अपना समझता है, भारत माता को अपना समझता है,
उसके देश की हर परिस्थिति के अंदर कोई भी मुसीबत आती है वो सोचता है ये मेरी 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 खुद की ये वो है दायित्व तो बनता है इस परिस्थिति से लड़ना वाला। आज हम बढ़ वजह से देश आज सेफ है। नहीं वही मैम इसलिए बोला आज हम बढ़ चुके हैं। देखिए आप कोई अन्याय हो रहा है कोई लेडीजों के ऊपर अत्याचार हो रहा है हम क्या बोलते नहीं नहीं, नहीं ये सरकार का काम है ये आपका काम है मैं इससे दूर रहूंगी मतलब ये अपना अपना डपली अपना अपना राग हो चुका। तो ऐसे ही अगर देश चलता रहा तो देखो वो दिन दूर नहीं है। ये भले ही बहुत से आदमी नाराज होंगे कि मैं ये वर्डिंग बोल रहा हूँ मगर टुकड़े होते हुए देर नहीं लगेगी। हालांकि जब तक हमारे शरीर में सांसें रहेगी तब तक ऐसी नौबत ना आए। हम भी ये दिल से दुआ करते हैं और हम हमेशा अनेकताओं में एकता की मिसाल है मगर फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि अभी मौका है हमने अपनी सेना को सम्मान करना है दिल से सम्मान करना। तो आज ये चीजें मत सोचिए कि जी ये तो गुजरात का मामला है ये तो बिहार का मामला है नहीं। आज देखो मैम हम लोग 75वीं आज बोलते 21वीं सदी पहुंच गए आज भी आप बिहार में क्या हालत है जहां पर 6 महीने बारिश में आज ये डूब गया वो डूब गया। हम कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं कौन सी शाइनिंग इंडिया बात कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा ये बातें। मैंने आपको भी कल भी बताया था कि देश को चलाने के लिए नेता लोगों की जरूरत नहीं है। नेता लोग तो साइन करते हैं खाली देश चलाते हैं IPS IAS डॉक्टर्स इंजीनियर साइंटिस्ट वकील टीचर्स। देखिए आप जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं उनके नीचे एक अनपढ़ नेता भी वो क्या करता है वही बताते हैं नेताजी ये नहीं करना नेताजी वो नहीं करना और आप खाली ये साइन करिए ये आपके रोल के मुताबिक नहीं आपने ये नहीं खाना खाना चाहिए डॉक्टर चेक करते हैं। ये हमारे महानुभव चला रहे हैं IPS IAS और हम लोग इस दिमाग में घुसा हुआ है कि नहीं जी देश को तो नेता चला रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देश को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है इंडियन आर्मी का भारतीय सेना का वो चाहे एयरफोर्स हो चाहे वो हमारी नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो। क्यों? क्योंकि आज हम सब बोलते हैं कि देश की सरहदों पर हमारे आज भी सब रणबांकुरे हमेशा कोई भी परिस्थिति में खड़े रहते हैं कोई भी कठिनाई आए बारिश हो बाढ़ हो आप हम भले ही अपनी जगह छोड़ देते हैं मगर सैनिक अपनी जगह नहीं छोड़ता कभी। कि जो देश चलाने का सबसे बड़ा दायित्व तो हमने किसको देना चाहिए हमारे रियल हीरो जो हमारे इंडियन आर्मी को देना चाहिए मगर आज वो चीजें धीरे धीरे हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हो रही है धीरे धीरे लेकिन इतना स्लो नहीं। अरे ये चीज तो आग की तरह फैल जानी चाहिए जहां भी सेना का सैनिक दिखे भारत माता की जय एकदम उठा लेना चाहिए पूरे देश ने। राइट राइट मगर अफसोस की बहुत आदमियों को हम मैं खुद बता रहा हूँ ये कंडीशन में कई आदमियों को बताना पड़ता है कि सर मैं सैनिक हूँ। मैं एक बार बस में सफर कर रहा था पहली बात तो इस कंडीशन में कहाँ सफर जाते हैं तो बंदा बोलता है किराया माफ या कार्ड दिखाओ। ये कंडीशन है तो आप मेरे को बताइए कि कौन सा देश का महानुभव सोचेगा कि यार ये कंडीशन है। एक सैनिक बोल भी रहा है कि सर कार्ड तो नहीं है मैं व्हाट्सएप पर दिखाता हूँ। पहली बात तो कभी जीवन में अभी तक मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दो बार ही ट्रैवल बैठा होगा लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी मानसिकता कहाँ चली गई है। आज कोई सैनिक छुट्टी आता है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो हमने कैसे उससे बातचीत करनी है। पुलिस वालों से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत आप किस तरह से उस सैनिक की हेल्प करते हो। वकील है वो अपना फीस कम या ना लेकर के भी उसके सैनिक के लिए अपनी वकालत कर सकता है। डॉक्टर है कभी बीमारी में अगर आगे हैं तो सरहद के ऊपर है सरहद पर सैनिक है उसका बच्चा कोई बीमार है और हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल अगर दूर है तो वो डॉक्टर कैसे वो ट्रीटमेंट दे सकता है। एक टीचर है वो उसके बच्चों को क्या दे सकता है। लेकिन ये चीजें हमने जिंदगी के अंदर उतारनी जैसे आज हर चीज है ना एक हवा में एकदम उसकी तरह फैल जाती है ना तो ये चीजें भी एक देशभक्ति अगर आपने उतारनी तो दिल में मतलब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आज कोरोना में सब बंद थे सिर्फ हमारे जिसको भगवान बोलते हैं को डॉक्टर वो और हमारे सैनिक टाइम थे क्या उनको कोरोना लग नहीं रहा था। ग्रामीण घाटी के अंदर देखिए कोरोना के अंदर भी हम लोगों ने चाइना सैनिकों को कैसे किया जिस चाइना से ये रोग फैला उसको ये मुंह की धूल चटाते हुए देर नहीं लगाई और आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ मिलाने से भी डरने लग गया था इंसान से दूर होने लग गया था फिर भी हमारे सैनिकों ने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं देश सर्वोपरि है। नहीं तो वो बोल देते नहीं नहीं कोरोना है हम तो सैनिकों को हाथ नहीं लगाएंगे इन्हीं से तो सैनिक तो क्या होता मतलब। तो आज गलवान घाटी का जो हमने युद्ध जीता है अभी गलवान घाटी के अंदर जो हमने आज फतेह हासिल की है
युद्ध तो नहीं था, लेकिन जो भी हमारी पोस्टें कब्जा किया उनको भगाया है, तो एक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हर सैनिक को एक दायित्व सिखाया जाता है, एक अहमियत सिखाई जाती है, मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प सिखाया जाता है कि तुमने आखिरी सांस आखिरी गोली तक दुश्मन से लोहा लेना है। ये चीजें एक भारतीय सैनिक के अंदर क्यों आती है? हम भी आपके बच्चे, आपके भाई बहन, जो भी आप समझें, जो भी रिश्ते से आप देखें, हम भी आप लोगों के अंदर से ही गए हुए हैं, मगर सेना में जाने के बाद हम एक सैनिक हो जाते हैं और पूरे भारतवर्ष को अपना मानते हैं। सर, उस वक्त आप जब जंग में होते हैं तो परिवार से कैसे संपर्क रहता है आपका? हमारे टाइम तो मैम परिवार का कोई फोन फान तो होते नहीं थे उस टाइम। एक बीच में लड़ाई खत्म होने के बाद में एक सैटेलाइट फोन आया था, तो उस टाइम भी हमें एक नंबर को 3 बार डायलिंग करना है आपने, अगर मौका मिल गया तो ठीक है, और 1 या 1.5 मिनट बात करनी है, वो भी मौका मिल गया तो आपका नंबर है। उस टाइम कहाँ इतने फोन होते थे, और चिट्ठी पत्री को हमें चिट्ठी ना कोई संदेश, तो जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो हमारे दिमाग में तो उस चीजें ना तो परिवार आता था और ना ही और कुछ चीजें आती थी। हमारे दिमाग में तो उस टाइम पहाड़ियों के अंदर थे और हमें तो वो एक पहाड़ी दिखा दी जाती थी कि ये देखिए सामने पहाड़ी है, ये दुश्मन इस पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, और बस हमारा काम था उसमें दे दनादन उनके चक्के छुड़वा देना। मतलब एक ही लक्ष्य रहता था। कारगिल लड़ाई के बाद मैं कम से कम 9 महीने बाद, मेरी भी नई शादी 1997 में हुई थी, 1997 के अंदर ये 99 में युद्ध लड़ लिया, तो एक नई बीवी घर पर इंतजार कर रही है। लेकिन ये बीवी, ये बच्चे, ये तो आज की बातें हैं, हम लोग हंस रहे, लेकिन उस टाइम कोई भी चीजें जहन में नहीं आती है, क्योंकि सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है आन बान शान अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और वो ही किया है सभी आदमी ने। और ये युद्ध जो लड़ा है, ये किसी इंडिविजुअल आदमी ने नहीं लड़ा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पूरे भारतीय सेना का और आप जैसे अब सबकी दुआओं का ही नतीजा है, जो हम इतना ये हाईएस्ट पे था जो युद्ध था वो जीत सके हैं। मतलब तो अकेले आदमी बोले कि जी मैंने कद्दू में तीर मारे, नहीं, सबका योगदान से युद्ध लड़ा गया है। मतलब अकेला आदमी कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला आदमी, आपको पता, बांस का डंडा अकेला क्या करेगा, उसको भी सपोर्टिंग के लिए टहनियां चाहिए। तो वैसे ही ये हमारा जुड़ाव है, चाहे वो इन्फेंट्री है, चाहे वो आर्टिलरी है, चाहे वो आर्मेड है, चाहे वो एयरफोर्स है, सबका बहुत बहुत बड़ा योगदान था। और इस लड़ाई के अंदर, ये इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी भारतीय तोपखाना है, आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान है। आर्टिलरी ने जो काम किया इस युद्ध के अंदर, एक पूरा नक्शा ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बार बार जारी थी और हमारी बहुत सैनिक शहादत हो रही थी, पोस्टों पर एक पर भी कब्जा नहीं कर रहे थे। फिर हमारी एंट्री होती है जो मेन आर्टिलरी, जिसके इसका जो कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो है भारतीय तोपखाना। मतलब ये आप इतिहास भी पढ़ेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं मैं कि आपके सामने बोल रहा हूँ। आर्टिलरी का जो बहुत बड़ा इसके अंदर बहुत बहुत ही बड़ा योगदान था, इसका टर्निंग पॉइंट था। मतलब ये उस टाइम के जनरल बीपी मलिक साहब भी अभी भी बोलते हैं और उस टाइम भी बोलते थे कि आर्टिलरी ने जो काम किया इस युद्ध के अंदर, मतलब एक बिल्कुल ना एक तरफा ला के रख दिया। जैसे वो बोलते ना कि जो फील्डिंग करने के लिए जब कोहली या सचिन तेंदुलकर आते थे या सहवाग आते ताबड़तोड़, तो सहवाग की तरह हम लोगों ने अपना काम किया कि आउट होंगे, शहीद हो जाएंगे, देखी जाएगी, लेकिन जब तक जिएंगे ना तब तक ठोको बोले। तो वैसे ही हम लोगों ने पूरा काम ऐसे किया। रात के टाइम हमने ये युद्ध लड़ा था। मतलब ये बच्चे बाद में हम सोचते हैं आपके माध्यम से कि यार देखो हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन आज भी ध्यान में आप जैसे बोलते तब ध्यान में आता, वरना हमने तो बिल्कुल आन देश की बान देश की पूरा देश के ऊपर ही किया है शान। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही बताता हूँ, आज के टाइम में हम लोग जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी होगी, सेना को बुलाओ, वहां देखो कश्मीरी लोग पत्थर मार रहे थे सेना को भी, लेकिन वही बाढ़ आ गई तो वही सैनिक हमारे उठाते थे। तो दो लाइनें मैं उन सैनिकों के लिए, आप आवाम के लिए बताना चाहता हूँ कि सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, कोई पत्थर तो ना मारो बचाने वालों को, वैसे ही दुश्मन खड़ा हम पे सितम ठाने को, वैसे ही दुश्मन खड़ा हम पे सितम ठाने को, कोई मजहब से ना बांटो मेरे सैनिकों को। तो ये बातें हैं मैम के माध्यम से, मैं यही बताता हूँ कि किसी ने अगर सच में जीना है,
तो इंडियन आर्मी की तरह जिए, इंडियन आर्मी जो कर रही है उसको फॉलो करें, उन योद्धाओं को फॉलो करें जो जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज झूठी फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आप कितने कमेंट, कितने बहुत से आदमी इतना बकवासबाजी में लगे रहते हैं 24 घंटे, ये देखो जी हम की बना रहे हैं, ये देखो जी ये तो ये कर देंगे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि हम किस किस ओर जा रहे हैं। 10-10 घंटे युवा मोबाइलों में बैठे रहते हैं, कितने लाइक और कमेंट मिले। सैनिक जो होते हैं वो किसी लाइक कमेंट के भूखे नहीं रहते हैं, हमेशा निडर, निस्वार्थ और देश के समर्पित होते हैं। मतलब तो ये सैनिकों की भाषा है, क्योंकि अगर ये चीजें अगर हम लोग सोचते कि कैमरे में देख रहा तभी हम फायर करेंगे तो देश गुलाम हो जाता। मैम आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, अगर वो नाम के लिए कुर्बान होते तो कभी भी वो कार्य नहीं कर सकते थे। आज जो हमने कारगिल जैसा युद्ध लड़ा है तो आज देश के लिए लड़ा, अगर हम अपने लिए लड़ते तो कौन थे हम लोग, हमारी पहचान क्या है। तो ये चीजें हमने सबने सोचनी है कि आप ट्विटर फेसबुक पर बैठिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत से आदमी को देखता हूँ अरे कितने फॉलोअर हैं। मैम कद बड़ा ना पद बड़ा, कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो आपके कितने भी फॉलोअर रहे, जो मुसीबत में आपके साथ में है ना, वो आपका सच्चा साथी है। वरना शादी में तो हर आदमी लड्डू खाने के लिए आ जाता है, मगर वो पत्तल साफ करने के लिए या मेहनत आने के लिए कोई कोई आता है। तो, क्या बात है चाहे हाथ पाँव हो ना हो, चाहे हाथ पाँव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी हैं। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। यही बोलता हूँ कि चाहे कोई भी हम कार्य करें, मैं ये चाहता हूँ कि कब ऐसा दिन आएगा कि कोई सैनिक से रिबन कटवाएगा। आप अपना जन्मदिन भी मना रहे हो, कोई शादी समारोह कर रहे हो, या और कुछ घर का भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, अपना ओपनिंग करना है, तो सैनिक परिवारों को बुलाइए। आप किसी के पास नंबर नहीं है तो मेरे से नंबर ले लीजिए, मेरे को ढूंढने के लिए नायक दीपचंद अगर आप गूगल पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे तो मिल जाऊंगा। मुझे लाइक कमेंट करने की कोई शौक नहीं है कि आप, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप लोगों ने रियल में, मेरा एक मकसद ये चलता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे जो और भी भाई है ना वो भी आगे आए, उनके जो कारनामे वो दुनिया को पता चले, मतलब कि रियल में ऐसे सैनिक भी थे। ये जो मुझे मिला ये 20 साल बाद मुझे सम्मान, जब मैं कारगिल में गया हूं तब जनता को पता चला कि इसने भी कारगिल का युद्ध लड़ा है, वरना हम भी गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे और हमने कभी भी नहीं सोचा। मैं पहले भी प्रोग्राम में जाता था, कभी हमने नहीं सोचा कि नहीं झाई ऐसे है। आज देखो बहुत से बंदे दिखाने के लिए ये वीडियो बना दो वो दिखा दो और अंधभक्त इतने हो जाते हैं और रियल में हम देखते नहीं है। अरे ये बॉडीगार्ड चले सियात में, ये चल रहा है वो देखते नहीं रियल में। अरे मैं बोलता रियल में जो सैनिक है, हम जैसे भी है ना मैम, हम वैसे ही खुश है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जब भी संसार से जाएं नायक दीपचंद के नाम से ही और एक सैनिक के लिए ही पहचाने जाएं, ना कि एक मोटिवेशन स्पीकर के लिए। हाँ वो आप लोगों का है कि आप लोगों को एक ये है कि धन्यवाद है कि जो आप लोग हमारी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो और जनता तक पहुंचाते हो, ये आप लोगों का आभार है। और आप जैसे ही बहुत से, मैं तो बोलता हूँ कि आपका नाम जो सपना है ना, कि सपने, एक सपना भी बहुत चीजें होती है कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है हमें तुम बता दो बातें। मैम ये देश की सैनिकों की कहानी है, वो आप अपने सपनों के माध्यम से आप सबको बताइए, यही एक मेरी गुजारिश है। हम तो यही विश करेंगे कि अब सैनिक जहां भी जाए उसका उतना ही सम्मान हो, चाहे कितने साल हो गए हो उनको रिटायरमेंट के, लेकिन उतना ही सम्मान होना चाहिए कहीं पे भी जाए, चाहे वो मॉल में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कहीं पे भी हो। नहीं कर सकते मैम आपको, देखो हम लोग, आप बताइए नेता अभिनेता हमको कहीं मिल जाते हैं, अरे भागो साइड में हटो ये हटो, अगर आप उसी कुर्बानी को देखी जाए तो क्या कुर्बानी है। आज एक अभिनेता है, साल भर में वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, 10 करोड़ 20 करोड़ पिक्चरों के लेता है, मतलब क्या काम का, ईमानदारी से बताइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पिक्चरें बोला अच्छी बनती थी पहले, लेकिन आज जिन हमारे रियल्स हीरो के ऊपर कहानी बनती है वो डायरेक्टर कितने पैसे कमा लेता है उस पिक्चर से, और वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हम हैं जो हाय दीपिका, हाय ये, हाय रणबीर, ये फलाना, मतलब आप सोच रहे हैं। अगर आप एक लेडीज हो, आप ये बताइए
आप क्या चाहेंगे कि मैं दीपिका पादुकोण की तरह बनूं या भाई फरानी हीरोइन के बनूं, चाहिए कि आप ईमानदारी सोचिए। आज 10 दिन इसके पास हो, 4 दिन, अरे ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर थोड़ी था यार। अभी आजकल क्या बोलते हैं, नहीं जी हमारी यंग प्रवृत्ति, हम लोग क्या दिखा रहे हैं समाज में। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज हमारे लिए, मैं हमेशा से ये नहीं बोलता हूँ कि पुरुष प्रधान देश है, मैं हमेशा महिलाओं की इज्जत करता हूँ। महिलाओं ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पैदा एक महिला ही है जो एक जीव दे सकती, यानी कि एक पेट में एक बच्चा पैदा करके हमें पैदा करती है। हमें संसार में कौन है, वो महिला दिखाती है। मगर एक बच्चे को दूध पिलाता है वो एक अलग चीजें हो जाती है। मगर आज अपने पैसे के लिए हम लोग कितना भी ऐसे घूमते रहे, आज ये देखो हमारा तो आजकल कुछ करना पड़ता, मतलब हम लोग पैसे के, क्योंकि दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, ऐसी बातें हो गई है। और फिर हम बदनाम करते हैं उन गली वालों को, उन बेचारों को, कोठे वालों को बदनाम करते हैं। हमने तो यहाँ पर सरेआम कोठे खोल के रखे हो। मेरे बहुत पीड़ा होती है, मतलब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप एक भारतीय नारी हो, मैं अपनी बीवी का भी सम्मान करता हूँ, मेरी भी 4 बहनें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप समाज के अंदर एक ऐसा आप क्या दिखाना चाहते हो, मतलब आपका आईकॉन किस लिए करें कि ये 10 दिन मैं क्यों बोला चाहता हूँ। मेरे को पिक्चरों से प्रॉब्लम नहीं इतनी, उतनी प्रॉब्लम उससे है कि आज 3 महीने पास आप उनके रहते, क्या ऐसे समाज में अपने रहा है क्या कि जी 6 महीने आप इसको पति मानिए, अभी जी ये पेट भर गया हमारा, अभी तुम साइड में हो जाओ जी, 6 महीने बाद हम इसको मानेंगे, अभी फिर 10 साल बाद में छोड़ दिया। अभी आमिर खान को ले लीजिए आप, दूर क्यों जा रहे हो। सत्यमेव जयते के अंदर वो कितनी कहानियां कितनी बोलता है, कितना अफसोस जताता है। आज उसने क्या किया, हम अलग हो रहे हैं बोला। अरे बीवी ओ तो ऐसी होती है, अर्धांगनी, आधा शरीर होता है, परछाई होती है मनुष्य की। आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी बीवी मेरे टाइम 24 घंटे दिन रात साथ में रहती, वो है अपनी बीवी, तो उसको तुम कैसे अलग कर सकते हो। तो इसका मतलब तुमने उसको बीवी माना ही नहीं है, तुमने सिर्फ खाली उसको एक हवस के लिए या एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझा तुम लोगों ने इनको। मेरा बिल्कुल दायित्व है मैम, आप अपने घर से शुरुआत करिए, आप अपनी बीवी की जिद करिए। मैं मेरी बीवी को खाना भी खिलाता हूँ, पहले मैं, मेरी बीवी मेरे से कुछ नहीं तो क्या करूंगा, मतलब मैं आपकी जिद तब करूंगा जब मैं मेरी बीवी को, मैं बीवी को तो गाली दे रहा हूँ और आपको बोलता हूँ मैडम भारतीय नारी हो, दंडवत प्रणाम, आपको कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो वो चीजें हमने देखनी है। हमने, मैं युवाओं को भी आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आज आप फॉलो करना है तो हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को करिए, उनके जो कर्म है, उन्होंने क्या कार्य किए उसको करिए, न कि ऐसे आदमियों को फॉलो करिए जो अपना अपने लिए जीते। आप मेरे को बताइए, आप खुद सोच लीजिए, मैं आपके माध्यम से पहला एक वर्डिंग उठाता हूँ, क्या फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर हर चीज बनाई जाती है, क्या एक स्मारक नहीं बना सकते सैनिकों के लिए। आप मेरे को बताइए, जब देश के अंदर मोदी जी ने इतना बड़ा वो बनाया है हमारा शहीदों के लिए, शहीद स्मारक जब इंडिया गेट के पास बना सकते हैं, तो क्या फिल्मी दुनिया के पास भी इतना पैसा नहीं है, क्या अपनी फिल्मी दुनिया के अंदर वो एक शहीद स्मारक नहीं बना सकते हैं। लेकिन उनको टाइम ही नहीं है अपने पैसा कमाने के लिए, अपना देखते हैं, अपने लॉलीपॉप घुमाते रहते हैं 24 घंटे, मेकअप में ये कंगा, ये खाना नहीं, ये था। तो ये रियल में मजाक नहीं कर रहा आपको, हम लोग, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, बड़ा दिल रोता है कि हम सैनिकों के ऊपर पिक्चर बना करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, मगर किसी में रियल सैनिकों को मैं क्यों बोलता हूँ। हमारे जैसे मेरे भाई बहुत हैं, दिव्यांग आदमी हैं, कभी किसी को एक स्कूटर, किसी को व्हीलचेयर वगैरह। आप रियल में जो बंदे आज आपके सामने हैं, अगर किसी को आप ये चीज दोगे तो आपके गुणगान गाएगा और उसकी जीवन जिएगा आगे, वो कि यार मुझे एक ट्राईसाइकिल मिल गई, मुझे एक मॉडिफाइड स्कूटर मिल गया है, मैं बाजार से अपना खुद का काम कर लूं। तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग ये चीजें हम कर दिखावे के लिए। हम लोग, मैं आपको बहुत बंदे बोलता हूँ, बहुत बड़े बड़े आदमी बुलाते हैं मगर ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। फोटो खिंचा दिया, 5,000 सैनिकों को उसने सम्मानित किया, क्या सम्मानित किया, एक श्रीफल दे दिया और एक पटका डाल दिया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आप लोगों के भरोसे हम जिंदा हैं, बस तुम जिंदा ही रहना, हमारे भरोसे ही रहना, मतलब तुम्हारा भरोसा नहीं रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं मैम। अभी देखो मैं मंजू लोढ़ा मैम से मिला, जो अपनी मानी हुई है लोढ़ा फाउंडेशन, आपको पता है। मंजू मैम ने मेरे से वादा किया कि दीपचंद जी, उन्होंने मेरे को ये बोला, मैंने वही बातें मैम को ही बताई थी कि मैम रियल में बोलते दीपचंद जी हम करते हैं काम, मैं बोला मैम करते हैं, लेकिन इन दिव्यांगों के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं खुद दिव्यांग हूँ, क्या कंडीशन आती है मेरे को पता है मैम, झूठ नहीं बोल रहा आपको। हर घर में वेस्टर्न टाइप लेटरिंग बाथरूम भी होती है, हम गांव खेड़े से आते हैं, कोई अमीर घर से नहीं आते हैं, मीडियम क्लास से आते हैं। अगर हम आज लेटरिंग बाथरूम बनाए तो 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है, तो क्या हम उसके लिए एक टॉयलेट बाथरूम बना के देते बंदे को जिसके पास नॉर्मल होगा। आज भी गाँव में बेचारों के पास काफी नॉर्मल है तो दे सकते हैं। आज कोई बंदा दे रहा तो 20-30 हज़ार रुपये में कौन सा टॉयलेट बाथरूम बनेगा आजकल। तो हम छोटी छोटी चीजों से, मैं तो बोलता हूँ ग्राउंड में काम करिए आप। पैसा
आप इंडिविजुअल ना देख के आप ग्राउंड में बोलिए कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। और मैं बहुत आदमियों को बोलता हूँ, बहुत से आदमी मेरे पास अभी ऐसे भी आने लगे कि सर मैं अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मना रही हूँ, मेरे बच्चे का बर्थडे के लिए इतना पैसा लग रहा था, आप बताइए। तो मैं बोलता हूँ मैम थोड़े पैसे और इकट्ठे कर लेंगे, हम इन पैसों से किसी को ये चीज दे देंगे। तो वो चीजें हम लोगों को करनी है, ये शुरुआत करनी चाहिए मतलब। और आपके माध्यम से मैं यही बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों से हम जो अपना उज्ज्वल भारत, बड़ा भारत बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं मतलब। अब बनेगा भी धीरे धीरे, धीरे धीरे बनेगा भी, सब सब में ये भावना जागृत हो जाएगी ना, जागरूक हो जाएंगे पब्लिक। वही है मैम कि मैं तो ये बता रहा हूँ, हमेशा आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप को ये असहाय मत समझो, क्योंकि जीवन को जीना है ना, तो पहले आप खुद खुश रहोगे तभी किसी के लिए कुछ कर सकोगे। तो मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए अपने को, हमेशा हंसते खेलते चाहिए मतलब, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकोगे। आप खुद ही रो रहे हो, तुम्हारे आंसू अगर हमें आगे पहुंचेंगे तो तुम क्या करोगे मतलब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी निपटन जी अभी क्या करें, ये हो गया, अरे छोड़ो। ये जीवन है, इसके अंदर थ्रोट आते रहेंगे, परेशानी आती रहेंगी। आपका काम है हमेशा हर कठिनाई के अंदर भी हमेशा मुस्कुराते रहना मतलब, हमेशा खुश रहना, तभी तो जीवन है ना। अगर आप टूट गए तो फिर कौन सा जीवन जी रहे हो। नहीं, मैं तो एक सैनिक की तरह सोचता हूँ कि कभी नहीं झुक सकते, कभी नहीं टूट सकते, तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे बिल्कुल। तो खेलते मुस्कुराते रहेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हम मून फाउंडेशन के साथ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो उस पर कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रिसिपिएंट के बीच में। मैं तो खुद बोलता हूं, मैं तो खुद आपके माध्यम से ही बोलता हूं कि हमारा भी कभी मुसीबत आती है कभी किसी को, तो हम आज भी तैयार हैं अंग दान देना थी, जिससे कि किसी को आंखें हमारी है, हम चले भी जाएं तो हमारे को देख सके बंदा। आज भी मेरी 6x6 आंखें हैं 50 साल की उम्र में भी, तो आज भी हम सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर कोई किसी को अगर हमारा देना पड़े, हमने तो बच्चों को भी बताया, अपनी वाइफ को भी बताया है, अंगदान होना चाहिए। अंगदान का काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, जिसको रियल में जो तो उसको अंगदान मिले तो बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत सी जगह आपने अभी भी महामारी में भी देखा है कि कितनी काला बाजारी हो गई थी। तो इन चीजों से हमने बचना चाहिए। देखो कोरोना ने हमें बहुत अच्छी चीजें भी सिखाई है कि देखो कितना धन इकट्ठा किया कोई काम नहीं आया, तो अंगदान बहुत करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो करना चाहिए। बाकी मैम देखो 135 करोड़ जनसंख्या है, अपना अपना दायित्व है, आलोचनाएं भी होती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वो युद्ध ही क्या जिसमें दुश्मन ना हो, और वो जीवन ही क्या जिसमें आलोचक ना हो। क्या बात है सर, मजा आ गया आपसे बात करके, तो बहुत पॉजिटिव आप फीलिंग आ रही है। वो पंजाबी की याद रखा करो कि साढ़े ना लोगे तो ऐश करोगे। तो सर जीवन में कभी जीवन में मौका मिले तो मिलने आना मैडम जरूर आप। सर हम आपको अहमदाबाद इनवाइट करते हैं, आपको आना होगा अहमदाबाद। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं, एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए सर। अरे नहीं मैम, मैं आपको ये टाइम के ऊपर ही बताता हूँ कि टाइम अगर हमारे पास में, टाइम का तो प्रॉब्लम है, टाइम हमारे पास होता ना मैम तो वो 62 का युद्ध नहीं होता, और टाइम हमारे पास होता तो 65 नहीं होता,
71 का वार नहीं होता, और 99 के अंदर तो मैं खुद भागीदारी था, 99 में हमने दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिए हैं, तो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम तो ये सिविलियन आदमी सोचते कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम तो देश के लिए है मैम, पूरा जीवन टाइम है। हम तो देश भावना के लिए आप रात को भी जगाएंगे तब भी हम तैयार रहते हैं मैम। बिल्कुल जी, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम मैम, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों को। थैंक्स अ लॉट।